World knows that money is on my mind. Then why is the world not doing something about it? Why is it beating around the bush? मेरा यही बोलना था कि मुझे I don't have any objection with him being released. It was just a feeling that came from within. यह है सिद्धार्थ वशिष्ठ AKA मनु शर्मा, जिसने 29 अप्रैल 1999 की रात को 34 साल की एक मॉडल जेसिका लाल के ऊपर गोली चलाकर हत्या कर दी। रीजन, जेसिका ने ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया था। जेसिका लाल उस दिन दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बार टेंडिंग का काम करने गई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही थी कि गोली मनु के गन से नहीं चली थी। वहीं पे कई सारे आई विटनेसेस का बोलना था कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी। कौन थी जेसिका लाल? एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था? चलो जानते हैं इस केस को। जेसिका लाल का जन्म 5 जनवरी 1965 को हुआ था। पेशे से जेसिका एक मॉडल थी। जेसिका लाल न्यू दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में रह कर ही वो अपना मॉडलिंग का काम किया करती थी एंड जरूरत पड़ने पे कभी इधर उधर ट्रैवल भी कर लिया करती थी। तारीख थी 29 अप्रैल 1999। साउथ दिल्ली के एक हवेली कुतुब कॉलोनेड में एक हाई फाई रेस्टोरेंट हुआ करता था, जिसका नाम था टर्माइंड कोर्ट। हाई फाई मीन्स वहाँ हाई सोसाइटी के लोग ही जाया करते थे, पार्टी किया करते थे, मस्ती किया करते थे एंड वो रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल को ही सर्व किया करता था। ये रेस्टोरेंट एक फेमस डिजाइनर बीना रामानी के नाम पे था। वो अपने हस्बैंड जॉर्ज महलोत के साथ मिलकर ये रेस्टोरेंट को चलाया करती थी। बीना रामानी की एक बेटी भी थी, मालिनी रामानी। मालिनी भी मॉडलिंग किया करती थी, बेसिकली शी वाज अ मॉडल। उसी रेस्टोरेंट में 29 अप्रैल को एक हाई क्लास पार्टी रखी गई थी क्लोज्ड वंस के लिए। तो उस दिन उस रेस्टोरेंट में वेटरिंग का काम करने के लिए कुछ मेल्स एंड फीमेल्स मॉडल्स आए हुए थे एंड उसी मॉडल में से एक मालिनी की दोस्त भी थी, जेसिका था उसका नाम। दोनों दिल्ली बेस्ड ही मॉडल थे तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे एंड इधर पैरेलली इन द सेम वर्ल्ड दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, मींस शराब वराब पी रहे थे। उस पार्टी में कुल 4 लोग थे। सिद्धार्थ वशिष्ठ था, AKA मनु शर्मा, एक फेमस कांग्रेस पॉलिटिशियन विनोद शर्मा का बेटा। विनोद शर्मा पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है। विकास यादव, अगेन यूपी के दबंग पॉलिटिशियन DP यादव का बेटा एंड 2 और लोग थे जिनका नाम था अमरदीप गिल एंड आलोक खन्ना। पार्टी करते करते ये चारों लोग अचानक से प्लान बनाते हैं कहीं बाहर चलने के लिए, क्योंकि इन लोग का ड्रिंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो ये चारों लोग प्लान बनाते हैं बीना रामानी के उसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए एंड सिंस ये दो लोग भी काफी पैसे वाले थे तो इन चारों लोगों को भी आसानी से एंट्री मिल गई थी उस पार्टी में एंड ये चारों लोग उस हवेली पे रात के करीब 1 बजे पहुंचते हैं। पार्टी में पहुंचकर मनु शर्मा सीधा बार काउंटर पे पहुंचता है एंड उस बार काउंटर के पीछे जेसिका लाल एंड श्यान मुंशी था। ये दोनों उस दिन बार टेंडिंग का काम कर रहे थे। मनु जेसिका से एक ड्रिंक मांगता है। जेसिका बेहद ही पोलाइट वे में उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि सर ड्रिंक खत्म हो चुका है, आई एम सॉरी वी कांट सर्व यू। फिर मनु अपनी जेब से 1000 का नोट निकालता है एंड जेसिका के तरफ करता है एंड उसके बाद ड्रिंक मांगता है। अगेन सी डिनाइड एंड ये सीन उसके बाकी के 3 दोस्त बगल में खड़े होकर देख रहे थे एंड मुस्कुरा भी रहे थे, मजे ले रहे थे जैसे आम लोग आपस में दोस्तों की टांग खींचते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब मनु को यहाँ पे ऐसा फील होने लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है अपने ही दोस्तों के सामने एंड ही कुडंट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फिर मनु गन निकालकर एक हवा में फायर करता है ऊपर की तरफ एंड क्योंकि पार्टी में म्यूजिक बहुत लाउड था तो उतना किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। गोली चलाने के बाद मनु एक बार फिर से जेसिका से शराब मांगता है एंड शी अगेन डिनाइड बड़े ही पोलाइट वे में एंड इस बार जैसे ही जेसिका ने मना किया था मनु ने अपने गन से जेसिका के कनपट्टी पे गोली मार दी। जेसिका वहीं पे गिर गई बिल्कुल माइक्रो सेकंड में एंड वहाँ पे पार्टी के नशे में लोग इतने धुत थे कि किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उस काउंटर पे हो क्या रहा है। इतने में बीना रमानी रेस्टोरेंट ओनर जेसिका के पास पहुंचती है एंड मनु शर्मा पे चिल्लाने लगती है कि हु आर यू एंड तुम पार्टी में गन लेकर कैसे आ गए। मनु बोलता है कि गोली मैंने नहीं मारी है एंड इतना बोलकर वो अपने तीनों दोस्तों के साथ निकल जाता है एंड डर के मारे बाहर जाकर अपने गन को जमीन में गाड़ दिया था। जेसिका को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है बट She couldn't make it। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है गोली उसके सिर में लगी थी, काफी ज्यादा खून बह चुका होगा। मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस 4 मई को सबसे पहले मनु के एक दोस्त अमरिंदर गिल को पकड़ती है एंड उसके बाद 8 मई को बीना एंड उसके हस्बैंड को। इन दोनों के ऊपर आरोप था कि ये दोनों लोग बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में ड्रिंक सर्व कर रहे थे, अल्कोहल सर्व कर रहे थे। इन दोनों के पास अल्कोहल का लाइसेंस नहीं था एंड 29 अप्रैल को जो पार्टी हुई थी वो कोई प्राइवेट पार्टी नहीं था। उस पार्टी में हाई सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता था, तो उसके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन बस कुछ ही घंटों बाद बीना एंड उसके हस्बैंड को जमानत भी मिल गई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार था एंड इधर विकास यादव मनु का दोस्त वो मिजोरम जाकर अपना अंतरिम जमानत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस विकास को अरेस्ट करती है लेकिन विकास तुरंत अपना कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है एंड पुलिस उसे छोड़ देती है एंड इस तरीके से वहां से विकास बच निकलता है लेकिन मनु शर्मा अभी भी फरार था। फिर 1-2 दिन बाद पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। मामला कोर्ट में चलता है एंड सिंस ये केस काफी हाई प्रोफाइल था तो देश की पूरी पब्लिक रोड पे उतर
गई थी। वे सारे लोग जेसिका के लिए जस्टिस मांग रहे थे। केस करीब 6 साल कोर्ट में चलता है एंड आखिरकार जाकर 21 फरवरी 2006 को कोर्ट ने सबको रिहा कर दिया था इस केस से। कोर्ट के ऑर्डर के ठीक अगले ही दिन न्यूज़पेपर में काफी सारे हेडलाइंस फ्लैश करने लगे थे, लाइक नो वन किल्ड जेसिका उनमें से सबसे फेमस हेडलाइन था। ये पूरा केस आज भी नो वन किल्ड जेसिका के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर फिल्में भी बनी है। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लोगों को लग रहा था कि ये केस ओपन एंड शट केस है। इसके बावजूद भी कोर्ट ने सब लोगों को रिहा कर दिया था। लोग इस कोर्ट ऑर्डर को डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे एंड इस ऑर्डर का मेन रीजन था कि सारे के सारे आई विटनेस जो पहले पुलिस को स्टेटमेंट दिए थे वे सारे लोग कोर्ट में एक एक करके मुकर गए थे। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आई विटनेस था शायन मुंशी जो जेसिका के साथ काम कर रहा था। शायन मुंशी पुलिस को साफ शब्दों में बोला था कि जेसिका पे मनु ने ही गोली चलाया था, लेकिन कोर्ट पहुंचते ही कोर्ट में वो कुछ और कहानी बताता है। वो बोलता है कि गोली 2 गन से चली थी। पहला गोली मनु के गन से निकला था जो छत से टकराई थी एंड किसी और ने दूसरी गोली चलाई थी जो जेसिका के सिर में जाके लगी थी एंड उसी से जेसिका लाल की मौत हुई थी। एंड जब उससे पुराने बयान के बारे में पूछा गया कि तुम्हारा पहला स्टेटमेंट था कि मनु ने ही गोली चलाई थी एंड अभी तुम कोर्ट में कुछ और बोल रहे हो, अब वो बोलता है कि मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती एंड पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा था वो सब कुछ हिंदी में था, मैंने सिर्फ उस पे अपना सिग्नेचर कर दिया था। एंड इधर गोली का जो खोखा था उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है एंड उस रिपोर्ट में भी था कि गोली 2 गन से चली थी। एंड इसके बाद शायन मुंशी का जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तब उस स्टिंग में वो धारा प्रवाह हिंदी बोल रहा था बिना किसी झिझक के साथ। अब कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ये केस एक बार फिर से ओपन होने के लिए तैयार था क्योंकि पूरा देश एक बार फिर से जस्टिस के लिए रोड पे उतर गई थी। जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे उतर गई थी पूरी पब्लिक। पूरा का पूरा एक कैंपेन चलने लगा था जस्टिस फॉर जेसिका एंड इन सब में जेसिका की बहन सबरीना सबसे अहम रोल निभा रही थी। केस एक बार फिर से खुलता है, सभी लोगों को सजा भी मिलती है एंड इस नए कोर्ट ऑर्डर में बोला गया था कि पुराने सारे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किए गए थे, यहाँ तक कि उस फॉरेंसिक जांच में भी फर्जीवाड़ा किया गया था जो बताया गया था कि गोली 2 गन से चली है। कोर्ट शायन मुंशी को भी सजा सुनाती है झूठ के जुर्म में। लेकिन साल 2020 में जेसिका की बहन सबरीना का अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है। सबरीना बोलती है कि आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई बिलीव इन फॉरगिवनेस। अगर मनु शर्मा ने 1999 में ही मेरी माँ से माफी मांग ली होती तो मेरा पूरा परिवार मनु को माफ कर दिया होता। अब अगर मनु शर्मा को रिहा भी किया जाता है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है एंड ये जो विक्टिम वेलफेयर बोर्ड के पैसे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप इसे किसी जरूरतमंद को दे दे। एंड इसके तुरंत बाद 2020 में ही मनु शर्मा को जेल में उसके अच्छे वर्ताव के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है जबकि उसके सजा के कुछ साल अभी बाकी ही थे। 2021 में सबरीना की भी मौत हो जाती है लीवर डैमेज की वजह से। ये थी आज की केस स्टडी।